जाए चुन्नू मुन्नु और क्या, चुन्नू मुन्नु की गड्डी का इंतजार है और क्या। चलो ठीक है, और खुशी मिल जाएगी। ओहो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहती हैं? बस चलो, शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। बताइए जो हमारे फैन को बताइए, शादी करने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, जो लेडी यहाँ पर बात कर रही थी वो उनके यही पति हैं। वो नहीं, ये हैं, ये पति हैं, ये वो नहीं, वो नहीं है, तुम हो। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर लड़के कम हैं। गाड़ी आई हुई है, ये देखिए लड़के कम हैं फिर भी, लेकिन। और ये हमारे मालिक साहब गाड़ी उतरवा रहे हैं लड़कों से। रामजन्म भाई साहब हैं हमारे यहाँ सुरेश बाग में रहते हैं, और इनकी हथौड़ी की खुद की फैक्ट्री है। सुरेश बाग है और कौन सा बाग है, देखिए सुबह सुबह पान खा रहे हैं। ये ऋतिक है, ऋतिक भी सुरेश बाग का रहने वाला है, थोड़ा सा दूरी पर रहता है। और ये हैं पवन सिंह, पवन सिंह है, पवन सिंह हो ना, ये पवन सिंह है। और ये रोहित श्रीवास्तव, हेलो, ये रोहित श्रीवास्तव है, ये भी आए हैं गाड़ी खाली करने के लिए। दो लड़के कम हैं आज, रोहित आ गया। और ये अंशु, ये सबसे ऑर्डर दे रहे हैं कि ये सब ले चलो, वो सब ले चलो, इनको यहाँ का मैनेजर बनाया गया है। ये सिन्हा साहब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, 100 साल की इनकी उम्र है, 99 चल रहा है, 99 के हो गए हैं, 100 के होने वाले हैं तुरंत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग गाड़ी खाली कर रहे हैं और लड़के कम हैं, फिर भी हम लोग गाड़ी खाली करेंगे। देख सकते हैं क्या क्या अपना वाला पेपर है, ये ड्यूल सब दिखाई दे रहा है, ये 7 नंबर पेपर। 13 किलो, 13.5 किलो है, बताओ। इसमें फ्लैंच है, 13.5 किलो ना दिखाई दे रहा है। रूटर लोअर के अंदर, उधर पाइप है, पंप पाइप लोअर पर नीचे केबिल आई है, ये 1.5 mm की, 200 मीटर। बाकी इन बोरी में सापट है, बाकी स्पेयर है, बाकी पवन, बाकी जितने भी सामान है सब ऊपर रख रख के आ रहे हैं धीरे धीरे। और थोड़ी देर बाद दोस्तों मैं भी गाड़ी खाली करने जा रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ। और ये अशोक, इधर देखो, हाय हेलो करो इधर, हाय। एक मिनट रुको रुको, सही से पिक्चर आने दो, अभी थोड़ा वो चल रहा है, रुको 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 तो यार। हाँ ठीक है, अब बोलो, आप लोगों को हाय हेलो कर रहे हैं दोस्तों। नहीं, वो क्या बोलते, वो नहीं आ गया था, बलर आ गया था यार, बहुत जल्दी बलर आता है दोस्तों। बहुत मेहनत होगी गाड़ी खाली करने में, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, पूरी गाड़ी खाली करके मानेंगे आज। और आज का दिन है शनिवार, लेकिन अफसोस कि हम लोग के यहाँ थोड़ा परेशानी चल रही है, तो शनिवार को गाड़ी आई है, और शनिवार को लोहा नहीं मतलब कि उतारा जाता है, अपने फैक्ट्री में रखा जाता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इसीलिए हम लोग आज गाड़ी खाली कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग का जीना, 3 मंजिल, सबसे खतरनाक जीना है दोस्तों, 3 मंजिल ऊपर हम लोगों की फैक्ट्री है, ये देख सकते हैं, 3 मंजिल के ऊपर हम लोग की फैक्ट्री है। ये निकल के आ रहे हैं रोहित श्रीवास्तव, इनका नाम यहाँ उत्तम है, खड़ा जीना है बिल्कुल उतारते उतारते। और हम लोग इनको प्यार से यहाँ मामा बोलते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ता ही ऐसा है, इन्हें सब लोग यहाँ मामा बोलते हैं प्यार से। शुभ शुद्ध लैंग्वेज का प्रयोग करें, जैसे कि ऋतिक रोशन, ये सीधे साधे आदमी हैं, इनकी कुछ लोग बड़ाई करते हैं कि ये लोंडा सीधा है। आज तक इन्होंने ऐसा कोई काम वर्क नहीं किया जिससे कि इनकी बदनामी हो, या गांव मोहल्ले में कोई मतलब इनको गलत साबित कर सके, बहुत सीधे लोंडे हैं। और इनकी शादी होने जा रही है, लेकिन लड़की कोई पसंद नहीं आई अभी तक, घर वाले चाहते हैं कि इनकी जल्दी शादी हो, लेकिन इनको अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है। ये ढूंढ रहे 6 फुट की लड़की, अगर कोई हो तो आप लोग संपर्क करके इनको बताइएगा। और बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह ढूंढ रहे हैं, 5.5 हम है। बड़े वाले भाई की अगले साल शादी है इनकी, उसके बाद इनका नंबर लग जाएगा। अभी एक और बड़ा भाई है, एक और बड़ा भाई है, तो फिर ये इतना बेचैन क्यों है?
ये समझ आता बेचैन है शादी करने के लिए, लेकिन लड़की कोई पसंद नहीं आ रही है। नहीं यार, हम मेहनत जी जान से कर रहे हैं शादी के लिए। हम मैं बेचैन, कोई लड़की मिले तो बस। हाँ हेलो, बोलो। शादी के लिए बेचैन हो क्या? शादी के लिए ये बेचैन है दोस्तों, कोई अच्छी सी लड़की हो, संस्कारिक ना, संस्कारिक पारिवारिक घर संभालने वाली, घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं, और अपने पति को प्यार करने वाली इनको लड़की चाहिए। और अगर आपके नज़र में कोई हो तो बताइएगा दोस्तों। कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा हो इनसे संपर्क करें, पहले मुझसे संपर्क करें, फिर मैं इनसे आप लोग को संपर्क करवा दूंगा। और ये हमारे मामा जी, इनकी शादी होने वाली है एक लड़की से, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उसका नाम नहीं बता सकता, उसका नाम नहीं बता सकता, आई एम सॉरी दोस्तों उसके लिए। अगर ये बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हेलो, आप जिस लड़की से प्यार करते हैं क्या उसका नाम बता सकते हैं? डॉली। क्या बता रहे हो? हेलो, इधर 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 इधर। डॉली नाम है, डॉली, डॉली नाम है। ये अंशु ने बताया यहाँ पर, डॉली नाम है उसका। हम उसको मामी है, वो मेरी मामी, कोई फेरेगा नहीं। अच्छा, इनकी मामी है। अच्छा, हेलो पवन सिंह, तुम्हारा क्या इरादा शादी करने का? पवन सिंह की भी गांव में है गर्लफ्रेंड। पवन सिंह तुम सिंगल हो ना घर में? नहीं, गांव में है। सिंगल ब्रो हो ना घर में? सिंगल लड़के हैं, अगर कोई अच्छी खासी लड़की हो तो इनके लिए भी मतलब ढूंढ लीजिए। घर में अकेले हैं, पवन सिंह नाम है इनका। राजपूत खानदान के हो ना? राजपूत परिवार के हैं ये। हाँ तो मामा, तुम्हारे मुंह से हम एक बार सुनना चाहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम। अरे यार भाई, ये जैसे उसने नाम लिया है। क्या नाम लिया? अरे क्या बोल गया, डोली। हाँ, डोली इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है, मतलब शर्माते नहीं है क्योंकि शादी करने वाले हैं अगले साल। बाय बाय टाटा। हेलो, हाँ भैया, क्या कहना चाहते हो? हाँ तो हम थोड़ा वीडियो बनाने में बिजी थे, अब आप बता सकते हैं क्या हाल चाल है? वीडियो बना रहे, फुल शूटिंग हो रही तुम्हारी। आजकल ड्यूटी बहुत टाइम टेबल से कर रहे हो, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, शादी हो गई इनके, शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। बताइए जरा हमारे फैन को, बताइए शादी करने के बाद क्या करना चाहिए? बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ बोलिए तो सही। हेलो, इतना फिटनेस, इतना फिटनेस शादी होने के बाद भी देख सकते हैं इस लड़के के अंदर। और ये हमारे कंपनी का बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं, बेस्ट कारीगर, लेकिन इन्होंने हमारे कंपनी से अलविदा ले लिया इसलिए क्योंकि इनकी थोड़ी सैलरी कम थी। आओ, गाड़ी चलते हैं। गाड़ी भी चलते यहाँ पर काम, बात करने में क्या दिक्कत है? हेलो, गाड़ी के पास चल के हम लोग बात करेंगे, गाड़ी के पास बताएंगे सब कुछ डिटेल में, कैसे कैसे इनकी शादी हुई और क्या क्या इनके लाइफ में हुआ, वो सब हम जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों गाड़ी के पास। दोस्तों वो लड़का शर्मा रहा है, बता नहीं रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अगली वीडियो में जरूर मैं इनसे पूछ के बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताएं कि इनके साथ कैसे कैसे हुआ। इन्होंने लव मैरिज किया है, इन्होंने लव मैरिज किया है, और अपने लव मैरिज के बारे में सब बताएंगे डिटेल में ये, लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा अभी शर्मिंदा है, शर्मा रहे थोड़ा बताने में, लेकिन जरूर बताएंगे ये। हम इनको कोशिश करेंगे कि इनको जरूर बताएं। और ये भी है, इन्होंने भी लव मैरिज किया है हमारे अशोक भाई के साथ, देख सकते हैं, बहुत खुश है ना, लव मैरिज कर खुश है ना। हाय हेलो कीजिए हमारे फैनों को, फैनों को कीजिए हाय हेलो। शादी मजा नहीं है उतना जितना लव मैरिज में मजा आता है। हाँ, प्यार मिल जाए और बोलो और क्या, क्या करो क्या मिल जाए। अरे प्यार करो किससे, वही मिल जाए। अच्छा, प्यार जिससे करो, इधर भागो उधर भागो उधर भागो, वो काम नहीं है, एक से प्यार करो एक ही मिल जाए। एक से प्यार करो और एक ही के साथ रहो और क्या। तो आपने जिसे शादी किया उसके साथ खुश हैं? बहुत ज्यादा, सुबह शाम, मतलब की लड़ाई झगड़ा तो नहीं होती? खाना पीना टाइम से खा रहे पी रहे हैं? कमाई धमाई सब सही चल रही है? चलो बढ़िया है। आगे की क्या प्लानिंग है? पानी दोगे आज? हाँ, खेलने वाला, खेलने वाला एक हो जाए, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू की गड्डी का इंतजार है। चलो ठीक है, और खुशी मिल जाएगी। ओहो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और कुछ कहना चाहती हैं? बस, चलो धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में ये जरूर बताएंगे, तो आज के लिए आई एम सॉरी, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जो लेडीज यहाँ पर बात कर रही थी, हाँ जो लेडीज यहाँ पर बात कर रही थी, वो उनके यही पति हैं, वो नहीं ये हैं, ये पति है ये, वह नहीं वो नहीं है तुम हो, ये अशोक भाई हैं जो उनको इशारा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये, वो इनके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, और ये भी यहाँ काम करते हैं हथौड़ी लाइन में।
ये देखिए दोस्तों, गाड़ी से खाली कर करके सामान हम लोग यहाँ पे ला कर रख रहे हैं अभी, और उसके बाद हम इसको सही से लगाएंगे अलमारी में। रैक बनाए हुए हम लोग यहाँ पर, इस रैक में लगाते हैं हम लोग सामान सही से। अभी सब सामान बिखरा हुआ है, लेकिन जब सारा सामान आ जाएगा तो इस रैक में लगाएंगे। ये डब्बे हैं पुलों के, लड़के बदतमीज हो गए हैं, पन्नियाँ देखे कैसे फेंक दिए ला के, इनको समेटा जाएगा अभी। ये देखिए यहाँ पर सामान आ चुका है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है हम लोग का जीना जो 3 मंजिल ऊपर है। हम लोग को इतने ऊपर तक, यहाँ से वहाँ बिल्कुल नीचे तक जो ड्रम दिखाई दे रहा है वहाँ तक, और गाड़ी से लेके सामान वहाँ से ऊपर तक हम लोग को लाना पड़ता है। यहाँ रखने के बाद जब सामान सब गाड़ी खाली हो जाती है, उसके बाद हम लोग सब एक जगह लगा देते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं हम लोग की कंपनी, लड़के सब नीचे हैं, ऊपर काम अभी बंद चल रहा है। अब पहले से काम बहुत डाउन हो गया क्योंकि महंगाई इतनी आ गई, कॉपर महंगा, किट महंगा, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हमारे मालिक साहब हैं वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो लगे हुए हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आपको भी समरसिबल की ज़रूरत हो तो हमारे यहाँ संपर्क करें, और हमारे जो कंपनी के मालिक हैं अनिल श्रीवास्तव उनसे संपर्क करें। श्रेष्ठ बाग में हम लोग कंपनी हैं, और हमारे पास में फायर ब्रिगेड, और उसके थोड़ा आगे है विजयनगर चौराहा। तो इस तरह से आप आके हमारे कंपनी में आ सकते हैं और यहाँ से समरसिबल की मोटर खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो दिखाएंगे आगे।